दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। शादी के बाद लड़की ऐसे मर्द के साथ संतुष्ट नहीं रह पाती जो उसकी मंशाओं को पूरी नहीं कर सकता। फिर शादी के बाद उस लड़की का किसी और की तरफ आकर्षित होना लाजमी है। कई बार पति के घर पर लंबे समय तक नहीं होने से औरत अकेलापन महसूस करती है या पार्टनर के विदेश में रहने के कारण अकेलापन महसूस करती है। इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए लड़कियां बाहर कोई सहारा ढूंढती हैं। इस चैनल पे आपको पर्सनल लाइफ की जानकारी और हर प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा, इसलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब ये है सबसे आसान तरीके किसी भी लड़की को पटाने के और उस चीज के बारे में जानेंगे जिसे खाने के बाद लड़की अपने आप पर काबू नहीं कर सकती। अगर आपने किसी भी लड़की को ये खिला दिया तो वे हाँ को देकर ही रहेगी। क्या है वो आइए जानते हैं। इस कैप्सूल का नाम है जापानी फीमेल कैप्सूल। ये हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखें बिना अपने डॉक्टर के सलाह लिए बिल्कुल ना देना। नंबर एक, आई कांटेक्ट यहाँ वहाँ जैसे उसकी छाती, कमर, साइज या टांगों को देखने की बजाय उस लड़की की आंखों में देखें। विशेष तौर पे लड़की की आंखों में लंबे समय तक देखने से कुछ तो ऐसा होगा जो उस लड़की को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। तो अगली बार जब भी किसी लड़की को देखें या बात करें तो लड़की की आंख में आंख डालकर ही बात करें। नंबर दो, लड़की से बात करते समय थोड़ी सी मुस्कान चेहरे पर रखें। नंबर तीन, लड़की की तरफ थोड़ा झुकाव अपने व्यवहार में और बर्ताव में रखें। नंबर चार, अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखें, लड़कियों को धीमी आवाज बहुत पसंद है। नंबर पाँच, अगर उस लड़की के साथ थोड़ लड़कियां भी हैं, तो आप उसी लड़की को देखें जिसे आप पटाना चाहते हैं। ये थे पाँच सबसे ज्यादा आसान तरीके लड़की पटाने के। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर करें। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे और शानदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटा भी दबाए प्यार से जैसे लड़की की वो दबाते हो। शुक्रिया ये वीडियो देखने का। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना रोज ख्याल रखें। बाय।